तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक फिर विनिंग स्पीच के बारे में बात करेंगे और आज का टॉपिक है दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान। और हाँ, आज मैं स्पीच हिंदी में बोलूँगा और इसलिए ये विनिंग स्पीच है क्योंकि मैं प्रैक्टिकल खुद किया हूँ और विन भी किया हूँ। दोस्तों, अगर ये स्पीच आप लोगों को पूरा चाहिए तो फेसबुक पर स्टडी ग्लोबली को फॉलो करें। मैं यह स्पीच शुरू से अंत तक बताऊंगा कि कैसे बोला जाता है, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। साफ सुथरा मेरा मन, मेरा देश सुंदर हो, प्यार फैले सड़कों पर, कचरा डिब्बा के अंदर हो। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाध्यापिका, शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं आप लोग के समक्ष स्वच्छ भारत पर कुछ बोलने जा रहा हूँ। हमारा देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। देश विकसित देशों की श्रेणी में आ रहा है, उन्नति के मार्ग पर चल रहा है। पर मुझे अफसोस लगता है जब मैं अपनी गली में या मोहल्ले पर गंदगी देखता हूँ। कूड़ा करकट इधर उधर गिरा हुआ रहता है सड़क पर। लोग अपने घरों को तो साफ कर लेते हैं पर वह गंदगी दूसरे के दरवाजे पर फेंक देते हैं। इसी गंदगी के कारण बहुत सारे बीमारियां होती हैं। महात्मा गांधी जी भारत को स्वच्छ और साफ बनाने का स्वप्न देखे थे पर वह पूरा नहीं कर सके। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गांधी जी के सपने को पूरा करने का ठान ले लिया। राजघाट पर महात्मा गांधी जी के 145वीं जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया हमारे प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को। और उन्होंने 2 अक्टूबर 2019 यानी गांधी जी के 150वीं जयंती पर इस अभियान को पूर्ण किया जाएगा, यह उन्होंने बताया। और भारत की हर एक गली, हर एक मोहल्ला साफ और स्वच्छ रहेगा। हमारे देश की आबादी लगभग 135 करोड़ है। क्या आप सोच सकते हैं कि अब भारत एक व्यक्ति से गंदगी मुक्त देश बन जाएगा? कभी नहीं हो सकता। इस अभियान में हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ रहना पड़ेगा, साथ रहकर गंदगी साफ करना पड़ेगा, तभी यह देश साफ एवं स्वच्छ बनेगा। जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे ताकि व्यक्ति लोग स्वच्छता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और वह भी गंदगी करने से डरेंगे। भारत को स्वच्छ एवं साफ बनाने के लिए मोदी जी ने बहुत सारे कैंपिंग स्टार्ट किए हैं और भारत के हर एक जिले, हर एक गली या मोहल्ले पर पहुंचाए हैं। उनमें से है एक ODF यानी ओपन डिफेक्शन फ्री। इसके द्वारा हर एक घरों में शौचालय बनाया गया है। जिसके पास पैसे नहीं हैं उनको पैसे देकर शौचालय बनाया गया है। और एक बात, कोई भी व्यक्ति भारत में खुले में शौच करते पकड़ा गया तो वह कानून अपराध है और उसे दंड भी दिया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी भारत को स्वच्छ और साफ बनाने में बहुत काम किए हैं। उन्होंने कई विद्यालयों में जाकर सभी छात्र छात्राओं को प्लेज दिलवाए हैं कि हम गंदगी कभी नहीं करेंगे और ना गंदगी किसी को करने देंगे। दोस्तों, भारत को अगर स्वच्छ बनाने तो हमें अपने घरों से शुरू करना पड़ेगा, ना कि हम सिर्फ दिवाली में अपने घरों साफ करें। हो सके तो महीने में कम से कम 2-3 बार साफ करें अपने घर को। जब सभी घर साफ होंगे तब एक मोहल्ला साफ होगा। जब सभी मोहल्ला साफ होगा तब एक गांव साफ होगा। जब सभी गांव साफ होगा तब एक पूरा जिला साफ होगा। जब पूरे जिले साफ होंगे तब एक राज्य पूरा स्वच्छ और साफ होगा। और भारत का हर एक जब राज्य स्वच्छ एवं साफ हो गया तो हमारा देश स्वच्छ एवं साफ हो जाएगा, हमारे बापू का सपना पूरा हो जाएगा। और एक बात दोस्तों, अगर भारत को स्वच्छ और साफ बनाना है तो अपने मन को भी हम लोग को स्वच्छ और साफ करना पड़ेगा ताकि हम लोग का देश उन्नति के मार्ग पर चले। और अंत में एक बातें बोलने जा रहा हूँ, सुनो गौर से भारतवासी, मिली आज़ादी अच्छी खासी, खुशी इस आज़ादी का तब, स्वच्छ और साफ भारत बने जब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये दोस्तों था स्वच्छ भारत के बारे में। अगर ये आपको पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।